फरुखाबाद सीपी इंटरनेशनल स्कूल फरुखाबाद में गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ उपनिदेशिका श्रीमती अंजू राजे एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद चंद्र शर्मा ने ध्वजारोहण करके किया तथा बसंत पंचमी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ माँ शारदे के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण करके किया। अवनी मानवी अंशिका नित्या सृष्टि नन्हे मुन्हे बच्चों ने जय हो नामक गीत पर सुंदर प्रस्तुति देकर दर्शकों को तालियों की बौछार करने पर मजबूर कर दिया। दक्ष काया आयुष आदि के समूह ने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। उदित अंश अर्णव युवराज आदि ने सर्जिकल स्ट्राइक अभिनय दर्शाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्णिता प्रधान ने स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला। उपनिदेशिका अंजू राजे ने अपने उद्बोधन में बताया कि देश को स्वतंत्र कराने में हमारे देश के अनेकों वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने यह परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, सहर्ष मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। आज हम सबको अपने पूर्वजों से सीख लेने की आवश्यकता है और उनके पद चिन्हों पर चलकर देश को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। Why do we celebrate this Republic Day? To commence with, what exactly Republic Day means? It is the definition of supreme power of the people living in the country, and only the people have the right to choose their representatives as political leaders to lead the country in the right direction. With the development, there were some shortcomings have also risen, like inequalities, poverty, unemployment, corruption, and illiteracy. To make our country the best country in the world, we need to take a pledge today to solve such problems in our society. Let's talk about, do we have any kind of responsibilities or duties towards the nation? So yes, to abide by the constitution and respect its idols, institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।